हाँ जी हैलो वेरीफिकेशन की चीज़ होंगी है तो हैलो वेरीफिकेशन आपां कदों करनी चाहिए है तो लातविया कंट्री के लिए जी हैलो वेरीफिकेशन होंगी है इसका की प्रोसैस है। इस वीडियो के मैं थोड़े लिए सब तो पहला कली कली चीज़ दस रहा मैं हैलो वेरीफिकेशन थोड़े डाकूमेंट नूं चैक कर दी है कि थोड़े डाकूमेंट जैनुअन ने कि नहीं जैनुअन ने ते इस दे विच किन्ना टाइम लगता है। 1 वीक का ऐसा प्रोसैस है। 11,000 रुपया इसकी फीस आ जाती है अपने इंडिया करंसी इंडिया के अकॉर्डिंग। देखो ये अप्लाई होंगी है सीधी ऑनलाइन विदाउट हैलो वेरीफिकेशन तुसी फाइल नू अंबैसी दे विच नहीं लगा सकते। विदाउट हैलो वेरीफिकेशन तुसी अंबैसी दी अपॉइंटमेंट नू नहीं लै सकते। क्यों नहीं लै सकते? क्योंकि हैलो वेरीफिकेशन का रिसिप्ट का नंबर पैंदा हुंदा है अपॉइंटमेंट लैण दे लई। बिना हैलो वेरीफिकेशन ते इनविटेशन लैटर आपां फाइल नू अंबैसी दे विच नहीं लगा सकते। सो ये हैलो वेरीफिकेशन का प्रोसैस है। हैलो वेरीफिकेशन ने नहीं जज करना कि थोड़ी डिग्री लातविया दे डिग्री दे वैलिड हैगी है कि नहीं हैगी। हैलो वेरीफिकेशन का प्रोसैस सिर्फ इन्ना है कि थोड़ी डिग्री जेन्युइन है या फेक है। थोड़ी डिग्री दे विच किसी तरह का कोई आप कह सकते हैं कि पैसे दे के काम या पैसे वाला काम तो नहीं किया हुआ। हुण हैलो वेरीफिकेशन जदों आप करते हैं दो तरह की होंगी है। एक तो हैलो वेरीफिकेशन कई जिवें मुंडे ने पिछली बार स्टडी की स्टूडेंट ने उन्होंने गुजरात तो स्टडी की 1 महीना हैलो वेरीफिकेशन नहीं हुई उसका की सल्यूशन है। हैलो वेरीफिकेशन तुसी प्लस टू की है पंजाब बोर्ड तो तुसी बीटेक की है पंजाब टेक्निकल बोर्ड के बिचों। सो हैलो वेरीफिकेशन एजेंसी है मुंबई की ला लो या दिल्ली की ला लो जितों की भी अपने इंडिया च है। सो मुंबई की है। सो वो थोड़े डाकूमेंट नू चेक करती है उस उतों की अथॉरिटी नू मेल करके कि इन्होंने डिग्री चैक वाकई ही इतों की है ये जेन्युइन है कोई यह फेक तो नहीं। उन्होंने वाकई इनवैसटीगेशन करती है उस तो बाद प्रोपर उसनू मेल करती है। कई बार एक ही होंगे जो टाइम ज़्यादा लगता होंगे। सो जितों तुसी अपनी स्टडी की है जिहड़े बोर्ड चो स्टडी की है उन्हां बोर्ड के नाल पहला कंसर्न करो कि सानू साडे हैलो वेरीफिकेशन तो मेल वगैरह आऊगी जां डाक वगैरह आऊगी। तुसी उहदा रिस्पोंस जल्दी तो जल्दी दे दिओ क्योंकि जे तुसी उन्हां नू पहला कहता जदों उन्हां नू मेल मिलेगी वह इमीडिएटली रिस्पोंस दे देणगे। तीजी चीज ये है कई बारी की है कई बारी की चीज़ होंगी है कि जदों आपां नू हैलो वेरीफिकेशन जदों आपां करवाउणे आ हैलो वेरीफिकेशन करवाउण वेले आपां नू जदों अपनी मेल दा तुसी किसे यूनिवर्सिटी मतलब जिहड़ी तुहाडा बोर्ड है उस बोर्ड नू तुसी मेल पाती जदों तुसी उहनां नू मेल पाती उस मेल दा वह रिस्पोंस नहीं दिंदे। जदों वह मेल दा रिस्पोंस नहीं दिंदे हुंदे फिर तुसी की करो फिर तुसी हैलो वेरीफिकेशन नू मेल पाओ कि जिहड़ी साडी क्योंकि पहली गल देखो अपनी जिहड़ी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी हुण तुसी ओपन स्कूलिंग च स्टडी कर ली हुण तुसी पीटीयू च स्टडी कर ली हुण जे तुसी पीटीयू वालिआं नू कहोगे कि तुहानू मेल आऊगी हैलो वेरीफिकेशन तो तुसी उन्हां नू हैलो वेरीफिकेशन दी रिस्पोंस दे दिओ। मैं लिख के दिना अपना पीटीयू वाला गल ही नहीं सुनना कोई नहीं गल सुनता क्योंकि अपना बोर्ड कित्थों गल सुनूगा। जे तुसी किसी स्कूल विचों कीती है हाँ स्कूल वाले गल जरूर सुनणगे क्योंकि स्कूल वालिआं तो चलो आपां कह सकदे आं उम्मीद हुंदी है स्कूल वाले को गलबात होंगी है ना वो अपनी गलबात सुन सकते हैं। सो अपना की सिस्टम है सो जो वह गल नहीं सुनते फिर तुसी अपनी हैलो वेरीफिकेशन क्योंकि कहने का मतलब यह है तुसी हैलो वेरीफिकेशन ने मेल की थोड़े बोर्ड में यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी में मेल की जो उन्होंने तुसी यूनिवर्सिटी में मेल की यूनिवर्सिटी की कर रही हैगी
यूनिवर्सिटी थोड़ी मेल का रिस्पोंस नहीं कर रही, फिर तुसी अपनी हैलो वेरीफिकेशन नू उलझोना। छोटा जिहा कंसैप्ट समझाउणा मैं, ज्यादा ना उलझो, भी हैलो वेरीफिकेशन थोड़े डाकूमेंट नू चैक करती है। पंजाबी च गल सुन लो, थोड़े चैक करती है कि थोड़े डाकूमेंट जेन्युइन है कि फेक है। जिन्ना स्टूडेंट दे फेक डाकूमेंट हैगे है, डिग्रियां बनिया हुई हैगियां, चाहे तुसी 50-50 हज़ार रुपया दिता होया, वह लातविया दे बेच अपलाई ना कर। हैलो वेरीफिकेशन की मेरी कोई गरंटी नहीं। सो वह थोड़े डाकूमेंट नू चैक करती है। वह डाकूमेंट चैक करन दे लई मैथड की है, वह जिमें कि वह थोड़ी यूनिवर्सिटी या जिते तुसी स्टडी की स्कूल नू मेल पाउंदी है, मेल थ्रू चैक करती है कि इन्हां ने जिहड़ी स्टडी है वह वाकई ही कीती है, जेन्युइन है। ईवन के जे थोड़े डाकूमेंट डिजी लॉकर वगैरह अपलोड नहीं हुए हुए, उत्थे भी मैं प्रोसैस अगे दसूँगा कि वह डाकूमेंट वगैरह भी तुसी उन्हों डाउनलोड करके डिजी लॉकर से डाकूमेंट अपलोड करने होंगे, वह हैलो वेरीफिकेशन की मेल आती। सो पहला थोड़ी यूनिवर्सिटी नू मेल करती है, तुसी अपने यूनिवर्सिटी नू कह के रखो कि सोनू हैलो वेरीफिकेशन दी थ्रू मेल आऊगी, उस मेल का रिस्पोंस तुसी दे दिओ, उस मेल का रिस्पोंस तुसी दे दिओ। जदों उन्होंने मेल का रिस्पोंस देता नाल दी नाल थोड़ी हैलो वेरीफिकेशन डन हो। कई बार की होंदा है हैलो वेरीफिकेशन का रिस्पोंस नहीं आता होंदा, फिर वो डाक दे नाल भेजते हैं, दैन उस चीज़ का टाइम लगता। जिहड़े ओपन बोर्ड वाले स्टूडेंट ने उन्हां दा रिस्पोंस हमेशा लेट ही आउंदा है। लेट क्यों आउंदा है? क्योंकि ओपन बोर्ड वाले स्टूडेंट नू ओ बोर्ड नू ओह मेल नहीं पाउंदे हुंदे। एडे वड्डे बोर्ड नू मेल पा भी दोगे, उन्हां ने रिस्पोंस मैं दस चुक्या पहला नहीं करना हुंदा, क्योंकि उन्हां कोल लखां स्टूडेंट ने, उन्हां कोल एक स्टूडेंट नहीं हुंदा। ओपन बोर्ड वाले स्टूडेंट दा प्रोसैस जिहड़ा होगा ओह कोरियर थ्रू होगा। पर इहदे विच मैं सानू रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अपने ओपन बोर्ड वाले स्टूडेंट नू स्टूडेंट की मेल आई डी नू कहो कि तुसी अपने डाक का प्रोपर अपना अड्रैस दो, जिहड़ा अड्रैस तुसी पोस्ट ऑफिस का अड्रैस तुसी अपने हैलो वेरीफिकेशन नू अपना उन्होंने कोल हुंदा है, तुहानू देण दी लोड़ नहीं, अपना फिर भी तुसी दे के रखो। ईवन तुसी अपने उन्हां नाल कॉन्टैक्ट विच रहो जिहड़े तुहाडे ओपन बोर्ड वाले स्टूडेंट ने। पिछली बार मुंडा जिवें दित्या सी उन्हां दा आई होया सी, उन्हां दा पर ओपन बोर्ड स्टूडेंट ने ट्रैकिंग नंबर दिता, ट्रैक करके कीता, पूरा एक महीना लग गया सी। एक महीना क्यों लग्या? साडियां गलतियां नाल जां उन्होंने बार बार नहीं कीता जो भी है ना, मैं जो भी है, पर यह सिस्टम है। सो ये अपना पहला करा के रखो, क्योंकि ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਣਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਓਪਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਚੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਅੰਬੈਸੀ ਆਫ ਲਾਤਵੀਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੈਲੋ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਪਲਾਈ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ अपलाई फ्रॉम, फ्रॉम तो उलझ जाते हैं, पता सब कुछ है, फोर नहीं आया, फोर आऊगा किहड़ी कंट्री लई है, फोर का मतलब है कि तुसी पता है, मैनू पता, तुहानू सब पता है, पर फिर भी अपने माइंड नहीं वर्क करता, अखा नहीं, मतलब कि समझ गए ना तुसी मेरी गल, कई बार लिखा सामने दिखता नहीं हुंदा। सो इहदे फ्रॉम का मतलब है तुसी कित्थों अपलाई कर रहे हो, तुसी इंडिया तो अपलाई कर रहे हो। एप्लीकेशन टाइप, हुण इहदे ते एप्लीकेशन टाइप जिहड़ी आऊगी वह स्टडी वीज़ा आऊगी, एक डी कैटागरी वर्क परमिट भी आउंदा है, वर्क परमिट के बारे बड़िया बड़े कॉल आउंदियां, वीडियो बनाऊंगा थोड़े वास्ते, वेट करो। सो उस तो बाद कैंडीडेट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर सब कुछ पाउणा है। डाकूमेंट की चाहिए है? पासपोर्ट की फ्रंट कॉपी, पासपोर्ट की बैक, पासपोर्ट बैक तो फ्रंट PDF फाइल चाहिए है। उस तो बाद पैन कार्ड, वोटर कार्ड, लाइसेंस, इन्हां चों एक चीज़ की आपू स्कैन कॉपी चाहिए है, ठीक है। उस तो बाद
ਐਡਰੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਬਿਹਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹੀ ਐਡਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿ ਫਰੰਟ ਮੇਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਇਹ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦੀ DMC ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਟਰ ਆਫ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਸੈਂਟ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਫਲਾਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੰਸੈਂਟ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਕੋਲਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਲਝਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਪਲੀਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਦਾ ਲਾਸਟ ਫਿਲਡ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫੋਰਮ ਆਫ ਆਈਦਰ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਔਰ ਲੀਗਲ ਗਾਰਡੀਅਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ITR ਭਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰੰਟਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਭਰੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਕੋਲਮ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ITR ਵਗੈਰਾ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ITR ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ID ਪਰੂਫ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇ ਸਲਿੱਪਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਪਰੂਫ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਮ 16 ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੱਗੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੁਵੈਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹਿਰੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ITR ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਮੰਥ ਦੀਆਂ ਲਾਸਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸਲਿੱਪਾਂ, ਸੈਲਰੀ ਆਪਣੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਟਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਪਰੂਫ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਸਕੀਮ ਸਕੂਮਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਫੀਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 10-11 ਹਜ਼ਾਰ ਫੀਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਫੇ ਕਰਨੀ ਔਨਲਾਈਨ ਗੂਗਲ ਪੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲੋ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਲੋ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੱਸਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈਲੋ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਟ ਨੇ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦਾ ਚਾਰਜਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਿਰਫ ਹੈਲੋ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਇਕੱਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕੀਤਾ ਅਪਲਾਈ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲੋ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲੋ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।